तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? बस छोड़े मम्मा, मैं अपना मूड नहीं खराब करना चाहती। सारा बेटा, जुहेब को देखा, कहाँ है वो? भाईजान वो अपने कमरे में है। क्यों? आयशा मुस्तकिल रोई जा रही है, दूध भी नहीं पी रही है। अभी मैं मेड के पास छोड़कर आई हूँ। चलो ठीक है, मैं देखती हूँ। क्या हुआ मामा, आयशा इतना रो क्यों रही है? बेटा पता नहीं, मुस्तकिल रोए जा रही है। मैंने पेट पे इसकी मालिश भी की है, गरम गरम पट्टियां भी रखी इस तरीके से कर, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रही। मुझे लग रहा है उसके पेट में दर्द है, हमें डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। आप लोग कहीं जा नहीं रहे थे? सारा तुम एक काम करो, तुम इधर ही रुक जाओ, मैं आयशा का चेकअप करा के आता हूँ। चलो मामा। चलो आपने हादिया से क्या कहा है? अच्छा, तो मैं शिकायत लगा दी उसने तुमसे? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। हादिया को तो इस बारे में पता भी नहीं है, वो तो ये जानती भी नहीं है कि मैं आपसे अपनी और उसकी शादी की बात करने वाला हूँ। ये मेरा अपना फैसला है। बस रहने दो तुम, मुझे बेवकूफ समझने की कोई जरूरत नहीं, समझे? अच्छी तरह जानती हूँ कि वो कैसे तुम्हारे आगे पीछे मंडला रही है। ये सारा कुछ उसी का करा धरा है। उसे कई बार मैंने अपनी आंखों से तुम्हारे आगे पीछे फिरते हुए देखा है। मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात आप अच्छी तरीके से जानती है कि हादिया एक बहुत रिजर्व इंसान है, और ये बात आपको भी पता है। देखो मैर, तुम अपनी बहुत मनमानी कर चुके हो, इस बार तुम्हारी शादी मेरी मर्जी से होगी, और बस इसी महीने में तुम्हारी शादी कर दूंगी। अम्मी ये आप क्या कह रही हैं? देखो, मेरा दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं, मैं चाहती हूँ कि इसी महीने तुम्हारी शादी कर दूं, बस। ये आप क्या कह रही हैं? इसकी शादी की बातें हो रही हैं? कुछ नहीं, मैं उमेर से इसकी शादी के बारे में बात कर रही थी। हाँ भाई उमेर, क्या सोचा तुमने? तुम्हारी अम्मा का तो बस एक ही मिशन रह गया है, किसी तरह तुम्हारी शादी करा दें। रहने देना इस वक्त ये सारी बातें, आप बताएं आपको कोई काम था? हाँ, वो मेरी ग्रे कलर की शलवार कमीज नहीं मिल रही, उसे ढूंढ रहा था। तुम जरा ढूंढ दो, मैं आकर निकाल के देती हूँ। हाँ। मैं चाहता था कि आप पहले मान जाए, इससे पहले मैं अबू से बात करूं। कोई जरूरत नहीं तुम्हें अपने अबू से कोई भी बात करने की, समझे? क्यों मम्मी, आपको डर है ना कि अबू मेरी और हादिया की शादी के लिए फौरन राजी हो जाएंगे? हाँ है मुझे डर, क्योंकि आसिम की सारी हमदर्दियां सिर्फ और सिर्फ अपनी भांजी के लिए। लेकिन इस बार मेरी बात याद रखना, मैं तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से करूंगी, अपने खानदान में।